Warm greetings to all of you I Dr Vishnu from accountancy and business statistics department welcomes you all Today I will explain the most important topic probability in this video This topic is very important from the aspect of net exam and competitive exams also So let's start the probability In our daily routine life we always assumption for the इवेंट्स uh, लाइक like, uh, अगर आप देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो टी ट्वेंटी है उसमें क्रिकेट टीम कौन सी जीतेगी इंडिया की और इंग्लैंड की तो हम क्या कर रहे हैं एक अजम्शन कर रहे हैं हम एक चांस uh, देख रहे हैं कि अगर कोई भी इवेंट होता है तो उस इवेंट के होने की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं तो वैन द वर्ड पॉपिबिलिटी इज़ डिफाइन इट इज़ रिलेटेड विथ अ चांस और पॉसिबिलिटीज ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट यानी कि हम ये पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं कि किसी भी इवेंट की होने की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कितने चांसेस हैं कि वो इवेंट होगा या नहीं होगा फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड नाइन्टीन की वैक्सीन प्रॉपर जो वैक्सीन है वो आएगी या नहीं आएगी या फिर वो कब तक आएगी तो ये हम क्या कर रहे हैं एक पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि जो हमारी वैक्सीन है वो आएगी या नहीं आएगी इसके कितने चांसेस हैं कुछ लोग कहते हैं कि 100 परसेंट चांसेज़ हैं कि क्योरेबल है और ये आ जाएगी कुछ लोग कहते हैं क्या 50 परसेंट चांसेज हैं कि हमारी जो कोविड 19 की वैक्सीन है वो हमारा जून तक आ जाए जून ट्वेंटी तक आ जाएगी इसी तरीके से आज बारिश होने की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं क्या संभावनाएँ हैं कि आज बारिश होगी इसके अलावा जैसे मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं डाइस रो करते हैं तो अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे सिक्स नंबर चाहिए तो कितने चांसेस हैं कि जब मैं डाइस थ्रो करती हूँ तो सिक्स नंबर मेरा आए इसी तरीके से मान लीजिए आप अगर टॉस है कोई भी कॉइन uh, है उसको टॉस कर रहे हैं तो टॉसिंग के क्या चांसेस हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा तो यानी कि ये सब क्या है इवेंट्स हैं तो इन इवेंट्स के होने या नहीं होने की पॉसिबिलिटीज़ ही हमारी क्या कहलाती है प्रॉबेबिलिटी कहलाती है तो द वर्ड प्रॉबिबिलिटी इज़ रिलेटेड विथ अ चांस ऑल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ हैपनिंग और नॉट

अब इसका जो फर्स्ट हमारा वर्ड आता है वो आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं सबसे पहले हमें इसे देखना जरूरी है एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटपुट कैन बी प्रोडिक्टेड इन एडवांस अब देखिए एक्सपेरिमेंट सबसे पहले क्या है एक्सपेरिमेंट तो हमारा कोई भी हम कोई भी अगर एजम्पन लगा रहे हैं किसी भी इवेंट के लिए या किसी भी होने या ना होने वाली घटना के लिए तो वो हमारा क्या हो गया एक्सपेरिमेंट हो गया जैसे मान लीजिए डाइस को फेंकना थ्रो दिंग थ्रोइंग दी डाइस ये मेरा क्या है एक्सपेरिमेंट है तो अब इस एक्सपेरिमेंट में कितने आउटकम आ सकते हैं मुझे पता होने ज़रूरी हैं अगर मैं उसे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहना चाहती हूँ तो हाँ मुझे पता है कि अगर मैं डाइस थ्रो करूँगी तो डाइस के अंदर कितने हमारे नंबर्स होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी सिक्स नंबर होते हैं तो मुझे पता है कि वन से लेकर सिक्स में से क्या होगा कोई एक ना एक नंबर आएगा तो इट मीन्स मुझे ये पता है कि अगर मैं डाइस थ्रो करती हूँ तो एक से लेकर छः तक में कोई ना कोई नंबर आएगा तो इट मीन्स आई नो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट फर्स्ट हमारी सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है सेकंड सिचुएशन क्या होती है कि हम किसी भी आउटपुट के लिए प्रडिक्शन लगा सकते हैं यानी कि मैं ये प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि अभी अगर मैं डाइस थ्रो कर रही हूँ तो थ्री नंबर आएगा तो इट मीन्स थ्रोइंग अ डाइस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए कॉइन टॉस करते हैं तो उसमें भी मुझे क्या पता है ग्या, ग्या, क्या 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 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं हाँ मुझे पता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा तो इट मीन्स आई कैन नो ऑल पॉसिबल आउटकम्स और आई कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट माय फेवरेबल आउटकम यानी कि मैं उसमें अपना प्रिडिक्शन भी कर सकती हूँ कि मुझे हेड चाहिए या टेल चाहिए तो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हम उनको बोलेंगे जहाँ पर हम क्या करते हैं हमें पता होता है कि अगर हम कोई भी इवेंट अगर होता है या एक्सपेरिमेंट को हम लोग कमेंट्स करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे पहली चीज़ और दूसरा हम लोग किसी एक आउटकम के लिए प्रडिक्शन लगा सकते हैं जैसे मान लीजिए अगर आपका मैच हो रहा है तो दो अगर मान लीजिए कबड्डी मैच है और राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई टाइगर्स में अगर हो रहा है तो यानी कि हमें पता है कि दोनों में से कोई एक जीतेगी तो ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया और दोनों में से मैं प्रडिक्शन लगा सकती हूँ कि मैं राजस्थान रॉयल्स का चांसेस मुझे लग रहे हैं जीतने के तो मेरा क्या हो गया प्रडिक्शन हो गया तो ये भी क्या हो गया एक रैंडम एक्सपेरिमेंट तो रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ के वॉटअर वॉट रैंडम एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर उटकमर एंड द आउटपुट कैन बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस अब आइए सेकंड सेकंड है हमारा सैंपल स्पेस व्हाट इज सैंपल स्पेस व्हेन वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट देन द सेट एस ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स यानी क्या है जितने भी हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका समअप है हमारा सैम्पल स्पेस यानी कि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होने वाला होता है तो उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं जब हम उनको एक पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं तो वो हमारा सैम्पल स्पेस बन जाता है देखिए इसमें एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे रखे हैं जैसे इन टॉसिंग अ कॉइन जब आप कोई कॉइन टॉस कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका सैम्पल स्पेस क्या होगा एच और टी एच और टी किसको डिनोट कर रहे हैं हेड और टेल को यानी कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा यानी दो पॉसिबल आउटकम है तो हमारा सैम्पल स्पेस दो हो गया एच और टी सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए जब आप कोई भी डाइस थ्रो करते हैं तो आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे छः आउटकम होंगे या तो वन नंबर आएगा या टू आएगा या थ्री आएगा या फोर आएगा या फाइव आएगा या सिक्स आएगा इट मीन्स जब भी आप डाइस थ्रो करते हैं तो देयर आर सिक्स नंबर्स यानी कि छः हमारे आउटकम्स हैं तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या हो गया सिक्स का तो ये हमारा कहलाता है सैंपल स्पेस इसको पर्टिकुलरली हम इस ब्रैकेट में डिनोट करते हैं बटरफ्लाई ब्रैकेट हम लोग लगाते हैं और इसके अंदर हमारा क्या होता है सेट एस ये कहलाता है अब नेक्स्ट है आपका इवेंट एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट यानी कि मान लीजिए हम क्या कर रहे थे हमने देखा कि जब हम लोग डाइस थ्रो कर रहे हैं तो हमारा सैंपल स्पेस बन गया वन से लेकर सिक्स तक का अब इवेंट क्या हुआ अगर मान लीजिए थ्री आया है तो थ्री मेरा क्या हो गया एक सबसेट हो गया और ये हमारा इवेंट हो गया कि वैन यू थ्रो द डाइज द थ्री हैज़ कम तो यानी ये हमारा इवेंट हो गया इवेंट क्या होता है सैम्पल स्पेस में से कोई एक अगर हम लोग चूज कर लेते हैं तो दैट इज कॉल ओवर इवेंट तो प्रॉबिबिलिटी में इवेंट कहाँ आता है प्रॉबीबिलिटी की जब हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी तो हमने क्या देखा था द वर्ड प्रॉबीबिलिटी इज रिलेटेड विथ अ चांस ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट यानी कि थ्री आने के चांसेस क्या हैं कितने चांसेस हैं कि जब हम डाइस थ्रो थ्री आएगा या नहीं आएगा इज़ दी तो probability क्या है नथिंग बट चांस ऑफ हैपनिंग हैपनिंग और नॉट ऑफ एन इवेंट पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट तो हम लोग प्रोबेबिलिटी में बेसिकली यही मेजर करते हैं कि कोई भी इवेंट होने के चांसेस कितने हैं या ना होने के चांसेस कितने हैं तो इवेंट क्या हुआ हमारा हमेशा ध्यान रखिए कि जो टोटल आउटकम्स हैं उसमें से आप किसी एक इवेंट का किसी एक आउटकम का जब आप प्रडिक्शन करते हैं दैट इज कॉल्ड इवेंट अब आ जाइए बेसिकली डेफिनेशन ऑफ द इवेंट इन अ फॉर्मूला टर्म यानी कि हम अगर फॉर्मूला वाइज प्रोबेबिलिटी देखें तो क्या होगा इफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट हैज़ इट पी पॉसिबल एलिमेंट्री आउटकम ऑफ विच से एम आर फेवरेबल इवेंट्स फॉर एन इवेंट एंड द ई देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूरेंस ऑफ ई अब देखो इसमें क्या है ई e किसको डिनोट कर रहा है इवेंट को प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पी ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हम कैसे करते हैं नंबर ऑफ फ़ेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स को हम किसे डिनोट करते हैं स्मॉल एम से टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम को हम किसे डिनोट कर रहे हैं स्मॉल एन से तो हमारा फॉर्मूला क्या बना एम अपॉन एन अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं मान लीजिए हम लोग डाइस थ्रो कर रहे हैं है ना तो यानी कि मेरे टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम कितने होंगे यानी एन कितना होगा सिक्स वेरी गुड सिक्स कैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी एक से लेकर छः तक में कोई भी नंबर आ सकता है तो यानी टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए छः तो एन मेरा हो गया छः अब मैं क्या देख रही हूँ मैं ये देख रही हूँ कि मेरा फेवरेबल यानी मैं क्या चाहती हूँ थ्री आए तो थ्री आने का चांसेस कितने हैं वन यानी कि थ्री एक बार एक ही थ्री है पूरे हमारे एक से लेकर छः नंबर में तो एक चांस है हमारा थ्री आने का तो यानी कि एम मेरा हो गया वन एन मेरा हो गया सिक्स तो थ्री आने के टोटल चांसेस कितने हो गए वन बाय सिक्स यानी वन बाय सिक्स है पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दी इवेंट ऑफ थ्री इज इट क्लियर यानी कि क्या करते हैं हम लोग जो हमारा फेवरेबल आउटकम uh, है उसके आने की पॉसिबिलिटीज डिवाइडेड बाय ऑल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो एम अपॉन एन थ्री आने की पॉसिबिलिटी होगी वन टोटल आउटकम है सिक्स तो वन अपॉन सिक्स ये हमारी बन गई है प्रोबेबिलिटी अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है स्केल ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी जो प्रोबेबिलिटी का तुम्हारा आंसर आएगा ना वो कहाँ से कहाँ तक आएगा यानी कि वो आएगा जीरो से लेकर वन के बीच में यानी कि या तो कोई इवेंट होने के चांसेस हैं ही नहीं या पूरे के पूरे चांसेस हैं ये हमारे दो हमारी रेंज बन गई हैं इन रेंज के बीच में ही हमारा आंसर आता है अब देखो मैं इसको समझा दूं आपको देखो कैसे आएगा आंसर आप देखिए जीरो से लेकर वन के बीच में है या तो वन बाय फोर वन बाय टू या थ्री बाय फोर आएगा या फिर अगर हम लोग इसको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा क्या होगा जीरो से लेकर वन में वन पॉइंट टू जीरो पॉइंट टू फाइव भी आ सकता है जीरो पॉइंट फाइव भी आ सकता है ज़ीरो पॉइंट सेवन फाइव भी आ सकता है यानी कि मैंने आपको एक रेंज बताई है फॉर एग्जाम्पल जीरो पॉइंट ट्वेंटी भी आ सकता है जीरो पॉइंट सिक्सटी भी आ सकता है जीरो पॉइंट नाइन्टी नाइन भी आ सकता है लेकिन वन पॉइंट नाइन या वन पॉइंट जीरो ऐसे वन पॉइंट सॉरी वन पॉइंट ट्वेंटी ये चीज़ें हमारी इसमें नहीं आएंगी तो यानी कि अगर आपका आंसर जीरो से लेके वन के बीच में आ रहा है तो इट मीन्स आपने आपका जो कैलकुलेशन की है वो सही की है क्योंकि हमारी स्केल इसी के बीच में रहती है अब जैसे ज़ीरो है वो यानी कि अगर ज़ीरो आंसर आ गया इसका मतलब ये इवेंट होगा ही नहीं ठीक है अब मान लीजिए जीरो से अगर आपका आंसर आ रहा है वन फोर्थ जीरो पॉइंट टू फाइव यानी कि थोड़े बहुत चांसेस हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट चांसेज हैं अगर हम इसको परसेंटेज की फॉर्म में चेंज करते हैं कि ये इवेंट होगा अगर जीरो पॉइंट फाइव आता है यानी फिफ्टी परसेंट चांसेज हैं अगर आप बीच में आ रहा है तो फिफ्टी परसेंट चांसेज हैं यानी कि जब आप डाइस थ्रो करोगे तो फिफ्टी परसेंट चांसेज है हेड आएगा और फिफ्टी परसेंट चांसेज है टेल आएगा है ना अब ऐसे ही थ्री बाई फोर का मतलब क्या हुआ कि सेवेंटी फाइव परसेंट चांसेज हैं कि आपका क्या हो सकता है ये इवेंट हो सकता है और वन यानी पूरी गारंटी है कि ये तो होगा ही होगा यानी आप सर्टेन है कि इसकी पॉसिबिलिटी हंड्रेड परसेंट पॉसिबिलिटी है कि ये हमारा इवेंट होगा एक है और एग्जांपल हम देखते हैं चलिए अब क्या कर रहे हैं हम लोग मान लीजिए डाइस थ्रो करते हैं हम है ना अब डाइस थ्रो कर रहे हैं तो फोर आने की क्या चांसेज हैं तो फोर आने की जब अब चांसेज होंगे वन बाय है ना यानी कि आपकी ट्वेंटी या ट्वेंटी से भी कम चांसेज हैं कि फोर आएगा है ना इसी तरीके से आपके पास फाइव बॉल्स हैं फाइव बॉल्स में से जो चार बॉलें हैं वो ब्लू कलर की हैं और केवल एक ही रेड कलर की है तो अब ब्लू बॉल अगर आप लोग उस उसमें से अगर कोई चूज कर रहे हैं एक बॉल तो ब्लू बॉल चूज होने के क्या क्या चांसेज हैं तो वो ज्यादा चांसेस होंगे ना ऑब्वियसली क्योंकि आपके पास पाँच बॉलों में से चार ब्लू हैं तो ब्लू बॉल के चूज होने के ज्यादा चांसेज हैं तो यानी मोर देन फिफ्टी यानी सेवेंटी हमारे चांसेज हैं कि ब्लू बॉल को हम लोग पिक कर लेंगे तो इस तरीके से हमारा क्या होता है ये प्रॉबीबलिटी स्केल होती है जिसके ऊपर हम लोग हमारी प्रॉबिलिटी को मेज़र करते हैं तो ये आज हमने इस वीडियो में क्या देखा है हमने ये देखा है कि कितने हमारे क्या क्या प्रॉबलिटी का मीनिंग होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है अलग अलग हमारे क्या हैं जो भी हमारी टर्मोलॉजीज़ हैं यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट इवेंट सैम्पल स्पेस ये क्या क्या चीज़ें होती हैं और हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉबिलिटी स्केल क्या होती है तो आज हम इस वीडियो को यहीं तक ही क्लोज़ uh, कर देते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रोबेबिलिटी की अप्रोचेज़ क्या क्या होती हैं